हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिविंग केमिस्ट्री। हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमने देख लिया था फोटो रिडक्शन और फोटो आइसोमेराइजेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो दो टाइप्स से होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड होता है एडिटिव कपलिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव ऑक्सीडेटिव कपलिंग होगा, सॉरी ऑक्सीडेटिव कपलिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी कंपाउंड। यहाँ पे हम लोग सेंसिटाइजर का यूज़ करते हैं। सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजर वर्ड या सेंसिटाइजर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने सब्सट्रेट को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो वहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटाइजर। तो यहाँ पर हम लोग सेंसिटाइजर का एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे यहाँ पर बेंजोफिनोन हो सकता है, रोज बंगाल हो सकता है, फ्लोरोसेन ये हो सकता है हम लोग का, ठीक है। तो कंपाउंड्स रेडिएटेड विथ सेंसिटाइजर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म पेरोक्सी कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में जो हम लोग का सब्सटेंट है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो पेरोक्सी कंपाउंड बनता है। ये भी हम लोग का दो स्टेज में पूरा होता है। सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, सेंसिटाइजर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पे होता है कि ये भी दो टाइप्स होता है। सबसे पहले क्या होगा, इन द सेकंड स्टेट क्या होगा, सेकंड स्टेट में क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेट में हम लोग क्या देखें, जो हम लोग का सेंसिटाइजर जो होता है ऑक्सीडाइज होकर ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, जो ट्रिपलेट होता है हम लोग का सेंसिटाइजर जो ट्रिपलेट में गया था वो अब्स्ट्रैक्ट करता है हम लोग के सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एटम को क्या कर लेगा, वहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। विच देन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड कंपाउंड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में बेंजोफिनोन हमने लिया था ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है। इसका रिएक्शन करा दिया हम लोग किसके साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। तो यहाँ से क्या कर लेता है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। हम लोग को पता था जब हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये वाले हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा कार्बन रेडिकल और एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। अभी जो फ्री रेडिकल बना है वो फिर से ऑक्सीडाइज होता है और यहाँ पे बना देता है हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड। अभी जो हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड होता है ये फिर से रिएक्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ फिर से ये रिएक्ट करता है लाइट के प्रेजेंस में तो बना देता है हाइड्रोक्सी हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी हाइड्रो पेरोक्साइड बनाता है और एक कार्बन रेडिकल बनाता है। अब ये कार्बन रेडिकल फिर से ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड बनाता है और ये फिर से जो हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड बना है ये फिर से सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सी हाइड्रो पेरोक्साइड बना देता है, ठीक। ये क्रिया चलते रहती है ऐसे ऐसे। और फिर जब हाइड्रोक्सी हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है ये फिर टूट जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। हम लोग दूसरा इसका देखेंगे, अल्टरनेटिव पाथ क्या होता है। इसके अल्टरनेटिव पाथ में क्या होता है, जो एक्साइटेड सेनेटाइजर होता है, सेंसिटाइजर जो होता है ट्रिपलेट स्टेट में होता है वो इंट्रैक्ट करता है ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ग्राउंड स्टेट से क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है, जो कि ट्रिपलेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता है, मतलब ट्रिपलेट स्टेट में होता है, और फिर हम लोग को देता है ऑक्सीजन, एक्साइटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि सिंगलेट ऑक्सीजन में होता है, मतलब सिंगलेट स्टेट में होता है। वाइल द सेंसिटाइजर रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, और वहाँ उसी टाइम क्या होता है, जो सेंसिटाइजर होता है अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। द एक्साइटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब जो हम लोग का एक्साइटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था जो कि कैसे में था, सिंगलेट ऑक्सीजन में था, मतलब सिंगलेट स्टेट में था, ना इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑर्गेनिक सब्सट्रेट टू फॉर्म पेरोक्साइड। वो क्या करता है, सब्सट्रेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और पेरोक्साइड बना देता है। द पेरोक्साइड फॉर्मेशन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो टाइप से हो सकता है। सबसे पहले क्या करता है, ओलिफिन जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन एलिलिक हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, विदाउट एलिलिक हाइड्रोजन एटम। अपन लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ओलिफिन का एग्जांपल ले लिए हैं जिसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। इसको जब हम लोग सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का बनता है डाई ऑक्सीटेंस बनता है। फिर इसको जब हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ, ओलिफिन से हम लोग का क्या बन गया,
कीटोन बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। फिर देखते हैं ओलिफिन्स विथ एलिलिक हाइड्रोजन एटम, ऐसे ओलिफिन्स जिसके पास एलिलिक हाइड्रोजन एटम होंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एलिलिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। क्या बनता है, हाइड्रोपेरोक्साइड बना देता है। और ये हाइड्रोपेरोक्साइड रिडक्शन करके, हाइड्रोपेरोक्साइड रिड्यूस होके हम लोग का एलिलिक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एग्जांपल लिए हैं स्टिबलिन्स का, ठीक है। स्टिबलिन्स जो कि सी सॉ ट्रांस में होता है, हम लोग को पता था, उसको क्या करते हैं, इरिडिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स पेरीसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसको जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इरिडिएट करते हैं तो वो पेरीसाइक्लिक कंपाउंड्स बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले रही हैं, यहाँ पे इरिडिएट कर रहे हैं सीस स्टेबलाइज स्टिलबिन को, सीस स्टिलबिन को या फिर ट्रांस स्टिलबिन को, दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं, तो हमने दोनों लिख दिया है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जब हम लोग इसको इसको रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले हम लोग का बनता है डाई हाइड्रोफिनेथ्रीन। और ये जो डाई हाइड्रोफिनेथ्रीन बनता है, उसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो हम लोग का फिनेथ्रीन बन जाता है। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फिनेथ्रीन बन जाता है। तो होप या ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।